हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, टॉपिक है हमारा पर्यावरण शिक्षा का। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2019 के लिए बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली है और 120 प्लस पार हमको इस बार करने ही करने क्वेश्चन। तो ठीक है फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है पर्यावरण अध्ययन में 121 से स्टार्ट। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट में से चुनिंदा प्रश्न लिए हमने। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 121 से करेंगे स्टार्ट कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिएगा, आपके सामने ऑप्शन 4 गिवन है और ऑप्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग क्लास हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सीधा सीधा फोकस करना है हमें ओनली क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के ऊपर, ठीक है। तो बात करेंगे 121 की। तो 121 का राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 है कि पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। तो देखिएगा, जो सिद्धांत है वो कैसा है। ओके, तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा 95% वो ऑप्शन सही होता है जो सबसे लंबा होता है, लेकिन ऐसा नहीं भी होता है कुछ कंडीशनों में, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 123 की। पक्षियों में पाए जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पर नंबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी इसी टाइप से दे रखा है कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 3 और 4, या फिर 2 और 3। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको फटाफट से पढ़ लेना है, उसके बाद आप आंसर लगाना है, ठीक है। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 और 3, यानी कि सुडोल शरीर, खोखली हड्डियाँ और पंख और परों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। कशेरुकी पहचाने जाते हैं। तो देखिए, कशेरुकी जो पहचाने जाते हैं वो कैसे पहचाने जाते हैं? रीढ़ की मौजूदगी से। किसकी? रीढ़ की मौजूदगी से पहचाने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 125। आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। तो फ्रेंड्स, सीटेट अगर हमारा चल रहा है तो ऑप्शन भी आपको बहुत ही बड़े बड़े मिलेंगे। क्यों भाई? सीटेट का मतलब ही ये हो गया, ठीक है। तो 125 में देखिएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओके, तो देखिएगा, पहला और चौथा, यानी कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं और किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 126। फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा, कहाँ पर किया जाता है फ्लेनल बोर्ड का उपयोग? तो ये किया जाता है किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रम से दर्शाने में। कोई चित्र है उसको दर्शाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 127 है, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वह कौन सी बात है, ठीक है। तो सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती है, ठीक है। तो इस बात का अधिकतर या जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से आसूचित उपकरण है। आसूचित्र जो उपकरण है वो स्प्रिट लैंप है। कौन सा? स्प्रिट लैंप। क्वेश्चन नंबर है हमारा 129। जीवों का संग्रह करके उन्हें परी
परीक्षित करने के लिए रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? परीक्षित करने के लिए, ठीक है। तो ये इनको रखा जाता है फॉर्मलिन में, फॉर्मलिन में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 130, एपिडोस्कोप को उपयोग किया जाता है। एपिडोस्कोप को उपयोग किया जाता है, देखिएगा किसके लिए उपयोग इसका किया जाता है, ठीक है। तो पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए इसका प्रयोग उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 131, एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो? कहाँ से? औरंगाबाद से। तो देखिएगा चिल्का झील, चिल्का झील इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह, भाई किसान का मित्र कहलाता है जो मिट्टी में केंचुआ पाया जाता है, ठीक है, वो क्यों कहलाता है किसान का मित्र? तो भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है इसलिए वो किसान का मित्र कहलाता है। और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 133 है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? देखिएगा बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 134 है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? ठीक है भाई, भ्रमण के बाद चलिए तो बच्चों से जो आपकी अपेक्षा क्या रहेगी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहां पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? सबसे अधिक जो बात का ध्यान रखना चाहिए वो शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 136 है, पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वाई हिस्से में ही पाई जाती है, यह पौधों की कौन सी प्रजाति है? तो देखिएगा वह जो पौधे की प्रजाति है कौन सी है, तो देखिएगा स्थानीय है, ठीक है, स्थानीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 137, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, भाई क्यों चिपक जाते हैं वो? ओके, तो देखिएगा वो इसलिए चिपक जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 138, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के कारण बताता है, तो देखिएगा निम्न में से सही कारण कौन सा है? ठीक है, जो करेक्ट कारण है वो है 1 व 2, यानी कि आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए, और दूसरा हो जाएगा मिट्टी की सरंध्रता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि पहला। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 139 की, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्यों मर जाती हैं भाई?
देखिएगा इसका भी मेन रीज़न है वो है वे सांस नहीं ले पाती, बिल्कुल सही बात है। और फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ओके, तो गणगौर का जो त्यौहार मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, किस समय में मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन वन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।